हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडे टॉपिक आई टीच यू एंटोमोलॉजी। आज हम एंटोमोलॉजी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ एंटोमोलॉजी, जो डिफिनीशन एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं या उसका डिफिनीशन क्या है। तो आप एक जनरली भाषा में कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं। हमने डिफिनीशन भी लिखा है कि एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। इंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, यह जूलॉजी की वह शाखा है, क्योंकि इंटोमोलॉजी की जो पढ़ाई होती थी वो जूलॉजी के अंतर्गत ही होती हुआ करती थी पहले। अब इंटोमोलॉजी ब्रांच अलग हो गया, लेकिन बट इंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विथ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक तरीके से इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं उसी को हम इंटोमोलॉजी कहते हैं। मिड टर्म क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप जरूर याद कर लें कि एंटोमोलॉजी क्या है। एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साइंटिफिक इंसेक्ट, जिसको हम यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम साइंटिफिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से कीट का अध्ययन करते हैं। अब उसमें कौन से इंसेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट हो, हार्मफुल इंसेक्ट हो, क्योंकि इंसेक्ट कई प्रकार के होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, मैक्सिमम हार्मफुल इंसेक्ट ही होते हैं। और इस धरती पे कम से कम 97% आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विथ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, राइट। अब देखिए, इंटोमोलॉजी टर्म इज ए डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो इंटोमोलॉजी शब्द है, इंटोमोलॉजी टर्म है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। और किसके दो शब्द है, वो ग्रीक वर्ड है, उसी को हमने लिखा है कि इंटोमोलॉजी टर्म इज ए डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना है। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं, ग्रीक वर्ड है, जैसे आपने सुना होगा लैटिन वर्ड होते हैं, यूनानी वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, बट क्या है, ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड है। क्या क्या है, अब इंटमोन और प्लस लागस, दो शब्द हो गए इंटमोलॉजी में, इंटमोन प्लस लागस। इंटमोन मीन्स होता है इंसेक्ट, और लागस मीन्स होता है डिस्कोर्स या नॉलेज, डिस्कोर्स या नॉलेज। अब हम अगर इसका कहते हैं कि इंसेक्ट का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, इंटोमोलॉजी कहलाता है, उसको हम डिस्कोर्स भी कहते हैं, टू स्टडी या नॉलेज भी कहते हैं। तो अगर हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटमोन प्लस लागस। इंटमोन मीन्स इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कट इन टू द सेक्शन, जिसका जो सेक्शन काटा जा सकता हो, जो आपके प्लांट को भी नुकसान करते हैं, बहुत सारे नुकसान करते हैं। और लागत मीन्स डिस्कोर्स आर स्टडी, अध्ययन करना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी। बात समझ में आ गया, इंटोमोलॉजी का डिफिनेशन पूछा जाएगा हो सकता है। तो इंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी टर्म इज ए ट्रू ग्रीक वर्ड, मीन्स इंटमोन प्लस लागस। इंटमोन मीन्स इंसेक्ट, लागस मीन्स डिस्कोर्स आर स्टडी। तो इंसेक्ट का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, इंटमोलॉजी कहलाता है। जनरली स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इट इज कॉल्ड इंटमोलॉजी। इस तरह भी आप डिफिनेशन को लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटमोलॉजी, उसका महत्व और स्कोप क्या है। इंपॉर्टेंस देखिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, रोल क्या हो सकता है एग्रीकल्चर में, बहुत सारे क्वेश्चन इसे पुटअप किए जाते हैं। जैसे जनरली हम भाषा में देखते हैं कि अपने जो रोल होता है जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस का होता है, जिसमें हम पहले से लिख सकते हैं कि दे पॉलिनेटेड आवर क्रॉप। देखिए, जितने भी मैक्सिमम इंसेक्ट हैं वो हमारी फसलों पे पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि फ्लावरिंग पीरियड में किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का स्प्रे आप ना करें, नहीं तो इंसेक्ट मर जाएगा, पॉलिनेशन क्रिया नहीं होगी और आपकी क्रॉप क्या होगी, नुकसान हो जाएगी। तो पहला फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दे पॉलिनेटेड आवर क्रॉप, दे पॉलिनेटेड आवर क्रॉप या पॉलिनेशन क्रिया करने में महत्वपूर्ण होता है, राइट। नंबर टू, दे सर्व एज फूड सोर्स ऑफ मेनी ह्यूमन। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसको आदमी या मनुष्य खाने के रूप में प्रयोग करता है।
बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिसको अपने देश में तो नहीं बट और सारे कंट्रियों में तो उसको खाने के रूप में प्रयोग करता है। चाइना वना में तो मेढक तक भी खा जाते हैं, उसका अचार भी बना खा जाते हैं। इसके अलावा घोंघा खेंगड़ा जो भी इंसेक्ट होते हैं सब तरह के चाइनीज उसको भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो उसी को हमने लिखा कि दे सर्व एज फूड सोर्स ऑफ मेनी ह्यूमन, यह भोजन के रूप में मनुष्य का सबसे बड़ा योगदान उपयोग होता है। नंबर थर्ड है दे आल्सो प्रोवाइडेड प्रोडक्ट वी यूज सिल्क हनी काइटिन इटीसी। और तीसरा पॉइंट होता है कि ये हमें प्राप्त क्या कराते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट नहीं यूजफुल इंसेक्ट जो लाभदायक इंसेक्ट होते हैं वो हमें सिल्क देते हैं, जिसमें लाख होता है, हमने लाख का नाम सुना होगा। हनी भी देती है, साथ देती हमें है, काइटिन देती है। इस तरह बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं कि जो हमारे लिए खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग में के रूप में बहुत सारे मटेरियल हमको दे जाते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हमें समझ में नहीं आता है बट हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। उसी को हमने लिखा कि दे आल्सो प्रोवाइडेड प्रोडक्ट वी यूज सिल्क हनी एंड काइटिन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन रिसाइक्लिंग। देखिए चौथा पॉइंट है जब इंसेक्ट न्यूट्रिशन रिसाइक्लिंग का भी काम करता है, जैसे जब तक इंसेक्ट रहता है मर जाता है तो उसका जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है डेड होता है सॉइल में, वो फिर रिसाइक्लिंग का काम करता है, हमारे सॉइल को उर्वर बना देता है जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। इसलिए ये न्यूट्रिशन रिसाइक्लिंग का भी लाभ होता है इसे, समझा रहा है। नेक्स्ट सम कॉजेज सीड डिस्पर्सल। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जो हमारे सीड्स को डिस्पर्सल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीड इंसेक्ट के द्वारा ही फैलता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर चला जाता है, उनके पैर में लग गया सीड या उसको खा लिए तो यहाँ से उड़ के हजारों किलोमीटर दूर चले गए, वहाँ उसको डिस्पर्स कर देते हैं। तो डिस्पर्सल का भी काम इंसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। हमारे प्लांट को मेंटेनेंस का भी ये काम करते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन के बाद उसमें अगर सॉइल में मर जाते हैं तो उसे उनको भोजन मिलता है, फूड्स न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं और हमारी क्रॉप जो होती है वो मेंटेनेंस हो जाती है। उस तरह ये हम मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर या इंटोमोलॉजी इज द स्कोप ऑफ इन एग्रीकल्चर, इंटोमोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या महत्व है, तो ये आप यही इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि दे सर फूड मटेरियल का रूप में पॉलिनेशन करने के लिए, रिसाइक्लिंग न्यूट्रिशन रिसाइक्लिंग के लिए डिजीज डिस्पर्सल का प्रयोग करते हैं या मेंटेनेंस कम प्लांट कम्युनिटी क्या काम करते हैं। इस तरह ये बहुत सारे रोल एग्रीकल्चर में अपनाते रहते हैं, क्योंकि इस धरती पे आप ये जान लीजिए कि 97% आर्थ्रोपोडा संकाय प्राणी होता है। 97% मतलब 350 मिलियन के आसपास में, हमारे वर्ल्ड में 350 मिलियन हर साल इंसेक्ट जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे इंसेक्ट कहते हैं जिसको आप बर्ड्स चिड़िया कुछ असम इंसेक्ट उसको खाकर जीवन यापन करते हैं, उसी के ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड होती है। तो इस तरह उनका होता है, जैसे आप ये जानते होंगे कि अगर ये इंसेक्ट हुआ, इंसेक्ट से बर्ड डिपेंड रहता है, ये इंसेक्ट किसी के ऊपर प्लांट पर रहता है, फिर ये बर्ड कुछ बड़े जानवर खाते हैं, फिर उसको बड़ा जानवर खाता है, मतलब जीवा जीव आहार है, एक दूसरे के ऊपर सभी डिपेंड है, सब एक दूसरे को यूज करते रहते हैं, उनसे उनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसलिए आप स्कोप भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है इंसेक्ट का, एबीसी लिख, ये सब सारा प्रयोग आप उसी में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रोपोडा जो जगत है ना, बहुत बड़ा जगत है, बहुत बड़ा किंगडम है आर्थ्रोपोडा। इसमें 97% कम से कम इंसेक्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिस तरह आपने इंटोमोलॉजी को देखा उस तरह आर्थ्रोपोडा भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द हैं, आर्थोस प्लस पोडस, एक किस टर्म से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से बने हैं, किसे बने हैं, ग्रीक वर्ड से बने हैं। आर्थोस मीन्स इन सेगमेंट्स होता है, खंडित हो जाना, उनकी बॉडी खंडित रहती है। नेक्स्ट पोडस मीन्स लेग्स, उसमें जो पैर पाए जाते हैं, तो उनके खंडित बॉडी और पैर से मिलकर आर्थ्रोपोडा बना हुआ है। एक संघ है, एक फाइलम है, इसमें 97% 97% तक जितने भी इंसेक्ट हैं सब इसी में आते हैं। अब क्लास इसमें एक आ गया हेक्सोपोडा।
इसके अंतर्गत आपको पोडा के अंतर्गत उसका एक क्लास है हेक्सोपोडा में तो आपने नाम सुना होगा। देखिए इसमें बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कौन किस किस पार्ट में होती है? तीन पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा एब्डोमिन। तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है हेड, सिर, थोरैक्स और एब्डोमिन, उधर किसको कहते हैं। ये तीन पार्ट से उनकी मिलकर शरीर की रचना बनती है। और थ्री पेयर लेग्स एंड विंग्स होते हैं। अब उसके अंतर्गत तीन पेयर, तीन जोड़े, वह तीन दूनी छह पैर और पंख होते हैं। 97% जो इंसेक्ट होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। क्लासिक तो पोड़ा के अंतर्गत ही सारे इंसेक्ट आते हैं, उसमें 97% इंसेक्ट इसके अंतर्गत आता है। अब इंसेक्ट में कौन कौन से पार्ट मिलकर बने होते हैं? देखिए हेड बना होता है, थोरैक्स बना होता है और क्या बना होता है? एब्डोमिन बना होता है। तीन बॉडी पार्ट हो गए। हमने यहाँ बताया भी कि हेड जो होता है यूजुअली सिक्स सेगमेंटेड फ्यूल, इसमें तीन छह पार्ट बटा होता है। इस तरह आप देखेंगे तो अगर ये इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में छह पार्ट में उसकी बॉडी बटी होती है। तो यूजुअली सिक्स सेगमेंटेड फ्यूल होते हैं, सिर्फ छह भागों में खंडित होते हैं। थोरैक्स तीन सेगमेंट होते हैं, जो थोरैक्स वाला हिस्सा होता है वो तीन पार्ट में बटा होता है। और एब्डोमिन जो होता है वो 11 पार्ट में खंडित होता है, 11 पार्ट में बटा होता है। इस तरह पूरे बॉडी की उनकी संरचना बनती है। हेड किसमें कितने पार्ट में बटे होते हैं? छह पार्ट में सेगमेंटेड होते हैं। थोरैक्स जो होता है तीन पार्ट में सेगमेंटेड होता है। एब्डोमिन कितने होते हैं? 11 पार्ट में सेगमेंटेड होते हैं, राइट। अब एब्डोमिन आप वर्क, जो एब्डोमिन का वर्क क्या है इसमें है, देखिए एब्डोमिन का जो वर्क है वो क्या करता है? रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और रिस्पिरेशन का कार्य करता है, जनन और श्वसन क्रिया कार्य करता है एब्डोमिन। एब्डोमिन का जो वर्क है क्या है? रिप्रोडक्शन है और रिस्पिरेशन है, जनन और श्वसन काम करता है। अब उसके बाद जो बॉडी होती है, जो हेड होता है, हेड के ऊपर एंटीना पाए जाते हैं, दो एंटीना काम करता है। पैर क्या होता है? मूवमेंट का गति के लिए प्रदान करता है, बॉडी से जुड़ा होता पार्ट होता है, उसी को हमने लिखा है वन पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट उनके बॉडी पे, उनके मुख पे एक पेयर एंटीना पाई जाती है। एक इस तरह होगी, एक इस तरह होगी, इसलिए एक पेयर एंटीना होगी। नेक्स्ट होता है थ्री पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स, तीन पेयर, तीन जोड़े कार्य करने वाले पैर होते हैं जो थोरैक्स से जुड़े होते हैं। इनकी भूमिका क्या होती है? लोकोमोशन। इस पर वन पेयर ट्रेकिया भी होता है, इसी पे वन पेयर ट्रेकिया भी जुड़ा होता है। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया के द्वारा रिस्पिरेशन क्रिया होती है। ट्रेकिया के द्वारा क्या होता है? रिस्पिरेशन क्रिया होती है। नेक्स्ट है कि वन पेयर विंग प्रेजेंट होते हैं, एक से लेकर दो पेयर पंख उनके ऊपर होते हैं जो उड़ने का कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान उड़कर इनसे चले जाते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी, स्कोप, इंपॉर्टेंट, क्लास आर्थ्रोपोडा एंड क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट रह गया, डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट में क्या अंतर है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड पेस्ट। आप ये याद रख लीजिए कि ऑल इंसेक्ट आर नॉट पेस्ट, सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं हो सकते, बट आर पेस्ट आर इंसेक्ट, सभी पेस्ट हमारे लिए इंसेक्ट हो सकते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? वो पेस्ट होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, नेमाटोड्स हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, स्पायरोप्लाज्मा हो सकता है, ये सब जितने भी होते हैं पेस्ट के अंतर्गत आते हैं। पेस्ट वो होता है ऑर्गेनिज्म की जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे फसलों को हार्मफुल रहता है। उसमें आदमी भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सभी को मिलकर हम पेस्ट कहते हैं। बस में पेस्ट किसे कहते हैं? और बात रहा इंसेक्ट का, इंसेक्ट और पेस्ट में डिफरेंट जरूर पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड पेस्ट, तो आपको जरूर लिखना है कि ऑल इंसेक्ट आर नॉट पेस्ट बट ऑल पेस्ट आर इंसेक्ट हो सकते हैं, सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ इंसेक्ट लाभदायक भी होते हैं, लेकिन अगर वो पेस्ट के रूप में हो गए तो हम उनको इंसेक्ट कह सकते हैं। उसमें हमें